लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। आज सुबह महाराज ने कहा था कि हमें दूसरा अवसर मिलना चाहिए और वो अवसर हमें मिल गया गौस बाबा के इस निर्णय के रूप में। सच में ये तो महाराज की शुभकामनाओं का असर है। हे महादेव, महाराज का पत्र पढ़कर न जाने क्या बीत के होगे महारानी साहब पर। काशी तुम रुको, हम महाराज से मिलकर आते हैं। महारानी साहब ने पत्र ठीक से पढ़ा भी है या नहीं? कहीं महाराज उनसे और क्रोधित ना हो जाए। आपके कारण सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा ये वैवाहिक रिश्ता महारानी के लिए भी मायने रखता है, तभी तो उनके हृदय में ऐसा परिवर्तन आया है। महादेव, आपका धन्यवाद कि महाराज और महारानी के बीच सब ठीक है, वरना इस पत्र ने तो हमें चिंता में डाल दिया था। लगता है महारानी ने यह पत्र पढ़ा ही नहीं है, और वो ये ना पढ़े यही अच्छा होगा, इसलिए हम ही इसे छुपा देते हैं। ए, रुक जाओ, कहाँ अंदर जा रही हो? हमें गोरे साहिब से मिलना है, बड़ी आस लेकर आए हैं, हमें जाने दो। वाह, कितनी स्वीट वॉइस है। बारह दिनों बाद मेरे कानों में कोई मीठी सी आवाज सुनाई दे रही है। What an untouched Indian beauty. ये रॉब भी वो माध्यम है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। मुझे इनसे ही बात करनी होगी। What's happening here? सर देखिए ना, ये लड़की जबरदस्ती अंदर आना चाहती है। मैंने कहा कि यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन ये जिद पे अड़ी है। हम यहाँ पे काम की तलाश में आए हैं। हमारे घर में 8 लोग हैं, पर उनके पेट पालने की जिम्मेदारी हम पर है। तनिक कोनो काम हो तो बताइए ना सरकार। चलो यहाँ से जाओ, तुम्हें पता भी है किससे बात कर रही हो। Shut up! एक वुमन से ऐसे बात की जाती है क्या? वुमन तो गॉड का मोस्ट beautiful and delicate creatures hai in a total respect denisak tum kya kaam kar sakti ho jhadu pocha bartan kapde dhone ghar ke sare kaam kar sakti ho sahib lekin yahan to ye sab kaam nahi hota yahan to official kaam hai pyonka but don't you worry main tumhe ye kaam sikhaunga। Come.
I'm sorry. Come. Come. Daro mat. Mujhe bas Captain Ross se permission lena hoga. What is it? Brother, this is a poor girl. Or isse apne family ko support karne ke liye ek job chahiye. Aur ye ladki yahan kya kaam karegi? Uski tension mat lo. Main hoon na. मैं खुद इसे ट्रेन करूंगा और आप तो जानते हो मैं ट्रेनिंग देने में कितना स्मार्ट हूं। आई होप तुम सब सीख जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें हेल्पर्स की जरूरत है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम ले रहे हो तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक से ट्रेनिंग देना। क्रांति के इस पद पर आगे बढ़ने के लिए मुझे रॉस और रॉब दोनों की बात माननी पड़ेगी। मेरे कैबिन में चलो, मैं तुम्हें काम के बारे में बताता हूँ। कैप्टन रॉस दरबार में पधार रहे हैं। योर एक्सेलेंसी, जैसे कि आप जानते हैं हम कल मॉर्निंग में रेल रोड सिस्टम का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। कल का दिन हिस्टोरिकल होने वाला है, ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ी जीत का दिन। एंड ऑफ कोर्स इंडियंस के लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस का दिन। एंड वी वांट टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस क्योंकि हमने प्रूव किया कि ब्रिटिश जो भी चाहते हैं हम करके ही जाते हैं, कोई कुछ भी कर ले। सो आज रात हमने कमिश्नरी में प्री इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन का पार्टी रखा है और हम आपको और हमारी क्वीन को इस सक्सेस के सेलिब्रेशन इनवाइट करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल महारानी के कदम झांसी में पड़ने के बाद ही इतनी बड़ी प्रोग्रेस होने वाली है। हेंस द क्वीन Unlucky charm. हम जानते हैं ये दुष्ट रॉस इस रेल उद्घाटन के माध्यम से हमसे हार मनवाना चाहता है, पर हम भी रानी लक्ष्मीबाई हैं। आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं पर हार नहीं मान सकते। आमंत्रण के लिए धन्यवाद कैप्टन रॉस, हम महारानी के साथ इस आयोजन में अवश्य सम्मिलित होंगे। गौस बाबा को मैदान में उतारने का समय आ गया है। ताती गुरु, अब शीघ्र जाकर उनसे मिलिए। समय बहुत कम है, हमें एक साथ मिलकर रेल मार्ग रूपी फिरंगियों के घृणित मंसूबे की धज्जियां उड़ानी होगी। कल इसी समय रेल मार्ग का उद्घाटन होगा, उस रेल मार्ग का जिसकी शुरुआत होने से पहले उसका अंत करना होगा। गौस बाबा की मदद से छुपी है फातिमा। हम तो ऐसी जगह छुपे हैं कि आप हमें कभी नहीं ढूंढ पाओगे बाबा।
हमें विश्वास था आप हमें यहीं मिलेंगे। और कहां जाते हैं दाते हैं? खैर, क्या सोचा आपने रेल को रोकने के लिए? कोई तो रास्ता ईजाद किया होगा आप लोगों ने। किया था हमने। उस रेल मार्ग को ध्वस्त करने के लिए सुरंग के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था गौस खान, और सोचा था कि सुरंग के माध्यम से विस्फोटकों की मदद से हम उस रेल मार्ग को ध्वस्त कर देंगे, परंतु दुर्भाग्यवश ये नहीं हो पाया। अंग्रेजों को उस सुरंग के बारे में पता चल गया और हमारे पास विस्फोटक भी नहीं थे। हम निराशा के अंधेरों में घिर चुके हैं। अंधेरा तो तब तक था तात्या जब तक महारानी साहिबा झांसी में शहर बनकर नहीं आई थी। अब तो उम्मीद से रोशन हर सवेरा है और बेखौफ हर शाम, क्योंकि हमारे साथ है लक्ष्मी जैसा नाम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु रानी लक्ष्मीबाई साहब भी इस रेल मार्ग के कारण काफी चिंतित हैं। तात्या, आप जानते हैं कि चिंता कैसी होती है? चिंता होती ही है चले जाने के लिए, और ये जो रेल की चिंता सता रही है रानी साहिबा को, ये भी चली जाएगी बस रेल की पटरी कट जाने के बाद। रेल की पटरी काट देंगे, परंतु कैसे? नक्शे की मदद से, क्योंकि उस नक्शे से ही ये पता चल पाएगा कि रेल की पटरी कहां से कहां तक बिछी है, और उस नक्शे को हासिल करने के बाद ही हम अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। पर हमें वो नक्शा मिलेगा कहां? यहां पर अंग्रेजी अफसर कौन है? कैप्टन रॉस। कैप्टन रॉस तो सही है, ये नक्शा हमें कैप्टन रॉस के ही दफ्तर में मिलेगा।